हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा पॉसेसिव केस ऑफ नाउन के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन में ही ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। इसमें खास तौर से अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रॉफी या ऑफ, इन तीनों चीज़ों की बातें की जाती हैं इस चैप्टर में। तो मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊँगा, आपको कुछ क्वेश्चन कराऊँगा मैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पॉसेसिव केस ऑफ नाउन पूरा चैप्टर, लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो एक तरह से ये रिवीजन है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको सारा समझ में आने वाला है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। हाँ, लेकिन इसके लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मोहन्स कार इज़ बेटर देन राम, लिखा है कि मोहन की कार इज़ बेटर देन राम। ये एक सेंटेंस है, इसको कई भागों में बांटा गया है, ए बी सी और डी। बताना है कि ग्रामर से इसमें कहाँ गलती है। तो मोहन की कार इज़ बेटर, मोहन बेटर नहीं है, मोहन का कार बेटर है। तो मोहन्स कार, कार की बातें हो रही है, तो मोहन की कार ज़्यादा अच्छी है देन राम। आपने तुलना किससे कर दी, राम से कर दी, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे राम्स, ठीक है। क्या होना चाहिए था, राम्स, राम के कार से। राम्स का मतलब यहाँ पर होगा राम का कार, ठीक है। जैसे योर हाउस इज़ बेटर देन सीताज, तो तुम्हारा घर ज़्यादा अच्छा है सीताज, सीता के घर से, ठीक है। तो राम सिर्फ एक व्यक्ति है और हमें यहाँ पे कार की बातें देखने को मिल रही है। तो मोहन की कार इज़ बेटर देन राम्स कार। बार बार कार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राम्स कर दोगे तो राम के बाद कार, ये अंडरस्टूड किया जाएगा, माना जाएगा कि कार छुपा हुआ है। इसलिए इस पूरे सेंटेंस में सी में गलती था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, सीता रीड्स इन अ वेमेंस कॉलेज, ध्यान से देखेंगे आप। सुनीता पढ़ती है वेमेंस कॉलेज में। पहली बात तो ये वेमेन, ये रहा है वेमेन, महिलाओं के कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है ना। पीजी कॉलेज में पढ़ती होगी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ती होगी सुनीता। सुनीता रीड्स इन अ वेमेंस कॉलेज, तो वेमेन ये रहा, महिलाओं का कॉलेज। हमारा अपोस्ट्रॉफी ऐसे होना चाहिए था, यानी हमारा जो गलती है वो है सी में, ठीक है। सुनीता रीड्स इन अ वेमेंस कॉलेज और वेमेन ऐसे लिखा होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में सी पार्ट गलत है। ओके, तीसरा आप ध्यान से देखेंगे। रमन्स डिज़ायर इज़ टू बिकम ए डॉक्टर्स, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, आप सेंटेंस बहुत ही बढ़िया है। रमन्स डिज़ायर है, यानी रमन की जो डिज़ायर है, रमन की जो इच्छा है, इज़ है टू बिकम, बनना ए डॉक्टर। ए डॉक्टर यानी आपको ये अपोस्ट्रॉफीस की ज़रूरत ही नहीं है इस वाक्य में, क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स का मतलब होता है डॉक्टर का। इस सेंटेंस में डॉक्टर का शब्द की ज़रूरत ही नहीं है। रमन्स डिज़ायर इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, ए डॉक्टर, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें भी सी ही पार्ट में गलत है। अगला देखते हैं, सुमन इज अ सिस्टर ऑफ हिज, ये सेंटेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा ए सिस्टर ऑफ हिज, इसका मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है। ए सिस्टर ऑफ हिज का मतलब होता है कि सुमन उसकी बहनों में से एक बहन है, ये इसकी हिंदी है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप जानते होंगे क्या, तो मैं आपको एक रूल बता दूं, ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा, माइन, ठीक है, योर्स, हर्स, ठीक है, हिज, देयर्स, ठीक है, ये सारे शब्द, आवर्स, हिज, ये सारे शब्द पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन। जब भी ये लिखा होगा तो ऑफ का हिंदी निकलेगा मे से, ठीक है, इसका हिंदी क्या निकलेगा, मे से, ऑफ का हिंदी यहाँ पे। तो ए सिस्टर ऑफ हिज, तो इसकी हिंदी ऐसे बोलनी है आपको, ए सिस्टर ऑफ हिज, उसकी बहनों में से एक बहन। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ए बैग ऑफ योर्स, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका हिंदी है तुम्हारे बैगों में से एक बैग। अगर आपने पढ़ा तो आपको आसानी से याद आ रहा होगा। जैसे ए फ्रेंड ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब है मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो ये बिल्कुल सही है, सुमन इज़ द सिस्टर ऑफ हिज, सुमन उसकी बहनों में से एक बहन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजू इज़ अ फ्रेंड ऑफ
माई यंगर ब्रदर, फिर से वही बात आ गई, ठीक है, कुछ ये वैसा ही है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। राजू इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई यंगर ब्रदर, एक रूल है, असली रूल क्या है देखिए, मैं अभी जो बता रहा था वही, इसमें ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर्स होगा। अब क्यों होगा, यानी अपोस्ट्रोफीस लगेगा ब्रदर में, अभी ऐसा क्यों होगा ये आपको जानना है। तो ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर्स होगा, ठीक है, बी आर ओ टी एच ई आर और अपोस्ट्रोफीस ब्रदर्स। इसकी हिंदी क्या है पहले मैं आपको बता दूँ कि राजू है अ फ्रेंड ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मतलब राजू मेरे छोटे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त है। मेरा जो छोटा भाई है उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसी में से एक है राजू, ये इसकी हिंदी निकलेगी, ठीक है। सी में गलती है, ब्रदर नहीं ब्रदर्स होगा अपोस्ट्रोफीस लगा करके, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है जानिए आप, ए एन प्लस कोई भी सिंगुलर नाउन रख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक के बाद फ्रेंड दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस ऑफ, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया ऑफ का हिंदी में से निकलेगा, और इसके बाद आता है पॉजिटिव प्रोनाउन या किसी भी नाम में, किसी भी नाउन में आप अपोस्ट्रोफीस लगाएंगे। तो या तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन रखेंगे इस स्ट्रक्चर में या कोई नाम में अपोस्ट्रोफीस लगाएंगे, और हिंदी क्या निकलेगा। तो अभी मैंने बताया कि ऑफ का हिंदी में से होता है, तो आप में से शब्द हिंदी में बोलोगे। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ए बुक ऑफ माइन, ठीक है, ए बुक ऑफ माइन, तो इसका हिंदी है मेरे किताबों में से एक किताब। और अगर मैं ये कह दूँ ए बुक ऑफ राम्स, राम में अपोस्ट्रोफीस, तो इसका हिंदी है राम की किताबों में से एक किताब, ठीक है। ए बुक ऑफ सीताज, सीता के किताबों में से एक किताब। ए बुक ऑफ राजूज, राजू के किताबों में से एक किताब, ऐसी इसकी हिंदी निकलेगी, ठीक है। जैसे ए बुक ऑफ माई ब्रदर्स, देखो मैंने माई ब्रदर में अपोस्ट्रोफीस लगा दिया, ब्रदर्स, तो मेरे भाई के किताबों में से एक किताब, ये इसकी हिंदी निकलेगी। तो राजू इज़ ए फ्रेंड ऑफ माई यंगर ब्रदर्स होगा, रूल आपने अगर पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा ये रूल तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू मेट मोहन एंड सोहन चिल्ड्रन, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, हैव यू मेट मोहन एंड सोहन चिल्ड्रन। मोहन और सोहन दो नाम यहाँ पे दिख रहा है, अपोस्ट्रोफीस अंत में लगा है, इसका ये मतलब है कि ये जो बच्चों की बातें हो रही हैं और मोहन, ये जो बच्चे हैं ये मोहन और सोहन दोनों के हैं। क्या ये संभव है, क्या बच्चे दो पुरुष के हो सकते हैं, एक पुरुष एक महिला होती तो होता। तो अगर दो नाम दिया हो और अपोस्ट्रोफी लास्ट वाले में लगा हो, इसका मतलब ये है कि वो दोनों मालिक हैं इन बच्चों के। तो इन बच्चों के ये दोनों मालिक कैसे हो सकते हैं, अगर अलग अलग करना है तो रूल है कि आप दोनों में अपोस्ट्रोफीस लगाइए। हैव यू मेट, क्या तुमने मिला है, क्या तुम मिले हो, मोहन्स एंड सोहन्स, इसका मतलब है मोहन के बच्चे अलग और सोहन के बच्चे अलग, तो दोनों में अपोस्ट्रोफीस होना चाहिए, इसलिए आंसर होगा बी। थोड़ा सा हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। हैव यू मेट मोहन्स एंड सोहन्स चिल्ड्रन, ठीक है। आगे, डू यू लाइक दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन, क्या आप पसंद करते हैं इस बिल्डिंग के डेकोरेशन को। आपने पढ़ा होगा कि बिल्डिंग एक निर्जीव चीज़ है, इसमें जान नहीं होती, और रूल है कि निर्जीव चीज़ों में अपोस्ट्रोफीस नहीं लगता है, इसे ऑफ से बनाना पड़ता है, इसलिए होगा द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, ये सेंटेंस होना चाहिए था, ठीक है, द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग। निर्जीव चीज़ों में अपोस्ट्रोफीस नहीं लगता, आपने रूल पढ़ा होगा, इसलिए सी में गलती है। नेक्स्ट, माई मदर इन लॉ डिसीज़न इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब मेरी सास का जो डिसीज़न है, निर्णय है, वो कॉन्स्टेंट है, एकदम नियत रहता है, थोड़ा भी वो अडिग हिलती नहीं है, जो डिसीज़न वो उन्होंने दे दिया वो बिल्कुल वही पक्का हो जाता है उनके लिए। तो मेरी सास का डिसीज़न, मेरी लिखा क्या है, मेरी सास डिसीज़न, मदर इन लॉ मतलब सास, डिसीज़न मतलब निर्णय, का की अंग्रेजी मिसिंग है, इसलिए आप लॉ में अपोस्ट्रोफीस लगाइए, लॉ में, माई मदर इन लॉ ये पूरा वर्ड है, लॉ में अपोस्ट्रोफीस लगाइए। मेरी माँ का डिसीज़न, सॉरी मेरे सास का डिसीज़न एकदम से कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वो हिलती नहीं है, एक बार कुछ भी बोल देती है तो ए में गलती है, ठीक है। चलिए, सरिता लिव्स इन दिस गर्ल्स हॉस्टल, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इसमें सी में गलती है। अब क्या गलती है इसके लिए, आपको मैं हल्का सा हिंट दे दूँ, हॉस्टल जैसी चीज़ कभी भी एक लड़की की नहीं हो सकती, जैसा कि आपने लिखा है लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल, हॉस्टल लड़की का नहीं लड़कियों का होता है,
और लड़कियों की अंग्रेजी होती है गर्ल्स, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिस शब्द के अंत में पहले से ही एस दिख जाए, क्योंकि हॉस्टल लड़की का होता नहीं है, लड़कियों का होता है, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों की अंग्रेजी होती है गर्ल्स, तो इसमें अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगेगा, क्योंकि एक रूल है कि अगर किसी शब्द में पहले से ही एस दिख रहा हो तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाना है। तो लड़कियों हो गया गर्ल्स, और का की अंग्रेजी अपोस्ट्रॉफी हो गई हॉस्टल, तो आंसर होगा सी, यहाँ पे गर्ल्स में बाद में अपोस्ट्रॉफी लगेगा। चलिए सेम क्वेश्चन नीचे भी है, देयर वॉज अ बॉयज़ कॉलेज इन माई सिटी, मतलब मेरे सिटी में एक कॉलेज है लड़कों का, तो लड़का का नहीं लड़कों का होगा, कॉलेज जैसी चीज़ एक लड़के की नहीं होती है, लड़कों की होती है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है। तो आप अभी आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है एक लड़का का कॉलेज, कॉलेज लड़का का नहीं लड़कों का होता है, और जैसे ही मैंने बॉयज़ लिखा लड़कों, अंत में एस आ गया, और जैसा कि रूल बताया है कि अगर किसी शब्द के अंत में पहले से ही एस आ जाए तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगता है काकी अंग्रेजी के लिए, तो सिर्फ आपको अपोस्ट्रॉफी लगाना है, ठीक है। बी में गलत है, Nobody can dare to break my house door, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अभी ऊपर बताया मैंने, एक तरह से ये फास्ट रिवीजन है, आपको आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है कि Nobody can dare, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता टू ब्रेक, तोड़ने का मेरे घर का दरवाज़ा, घर सजीव नहीं है निर्जीव है, और जैसा कि आप रूल जानते हो कि निर्जीव चीज़ों के साथ apostrophe s नहीं लगाते हैं, तो हाउस में लगा दिया गया है, तो ये गलत है, होना चाहिए था द डोर ऑफ माई हाउस, ठीक है, ऑफ से बनाना पड़ता है, द डोर ऑफ माई हाउस, ऐसे आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है ना, तो आपको पहले टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। चलिए तो सी में गलत है, 7 days जर्नी इज़ अ वीक्स जर्नी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7 दिनों की यात्रा, 7 days, देखो डे में एस लगा इसलिए अपोस्ट्रॉफी अंत में लगा है, 7 दिन, 7 days, एस तो लगेगा ही, तो जब पहले से ही एस दिख जाए तो अपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगाते हैं। आप हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि डे तो निर्जीव चीज़ है, कैसे आ गया, रूल में ये भी पढ़ाया गया है कि दिनों के नाम के साथ या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो ऐसे शब्द जो टाइम बताएं, दिन बताएं, इनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगता है, चूँकि 7 दिन है तो 7 days, डेज में एस लग गया पहले से ही बहुवचन के रूप में, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाया आपने, तो 7 दिन की जो यात्रा है ना, इज होता है ए वीक्स जर्नी, मतलब एक सप्ताह की यात्रा होती है वो, तो एक सप्ताह, सप्ताह में आपने सिर्फ वीक लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था वीक्स, एक सप्ताह की यात्रा, ठीक है, इज़ अ वीक्स जर्नी, 7 days जर्नी इज़ अ वीक्स जर्नी, एक सप्ताह की यात्रा होती है 7 दिन की यात्रा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, मोनू डिड ऑल दिस, ऑल दिस, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप लगा लो फॉर, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ओके, यह काम करते हैं, इधर ही रख देंगे फॉर, ठीक है, ओके। मोहन डिड, मोहन ने किया ऑल दिस, ये सारी चीज़ें फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस मतलब न्याय, सेक मतलब खातिर, तो न्याय की खातिर, न्याय की खातिर उसने ये सारा काम किया ताकि न्याय मिले, तो न्याय की खातिर उसने सारा कुछ किया, तो आप देख सकते हो कि जस्टिस में अपोस्ट्रॉफी एस लगाए। तो आपको मैं एक रूल बता दूं कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जिस शब्द के अंत में पहले से ही एस हो उसमें लगाते हैं सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, रूल यही नहीं है, अभी और भी है, अगर किसी शब्द के अंत में सी ई हो तो भी सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही लगाते हैं, तो जस्टिस में सी ई आया है ना, तो आपको ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ अपोस्ट्रॉफी से काम चल जाएगा, आपने ये पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, सी में गलत है यहाँ पे। यू शुड ओबे डैश ऑर्डर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है ये भी, यू शुड ओबे डैश ऑर्डर, तो कमांडर इन चीफ, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, पूरा एक वर्ड है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो अपोस्ट्रॉफी एस अंत में लगाया गया था, वैसे ही कमांडर इन चीफ पूरा वर्ड है, तो कहना है कि तुम्हें कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, तो का की अंग्रेजी लगी है सिर्फ ए में, कमांडर इन चीफ्स, देखो अपोस्ट्रॉफी एस लगी है अंत में, कोई भी शब्द कितना भी बड़ा हो अपोस्ट्रॉफी एस अंत में ही लगता है, ठीक है, जैसे मदर इन लॉ तो लॉ में लगेगा, फादर इन लॉ लॉ में लगेगा, ठीक है, वैसे कमांडर इन चीफ तो चीफ में लगेगा, तो आंसर होगा ए, ओके। द डैश इज़ वेरी बैड,
क्या होगा, आपने पढ़ा है, आप जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, द पुअर्स कंडीशन, पहली बात तो ये नहीं होगा क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव का हिंदी निकलता है क्या, तो एग्जांपल दिखाता हूँ। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द टॉल लंबे लोग, द स्मार्ट स्मार्ट लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। और रूल है कि द प्लस एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है, इन्हें ऑफ से बनाते हैं। तो ऑफ से बनाने के लिए ये पहला तो कट गया क्योंकि ऑफ से बना नहीं है, इसमें तो अपोस्ट्रोफियस या ऑफ है ही नहीं। तो जो हमारा होगा अगर हम सी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पुअर है और हमने रूल अभी आपको बताया द पुअर का, मुझे कहना है गरीब लोगों का कंडीशन, तो द कंडीशन ऑफ द पुअर होना चाहिए था, जो कि ये ऑप्शन में सी में द नहीं है, इसलिए डी होगा। और ये द कहाँ से आया, आपने पढ़ाई की होगी जब भी आप ऑफ से बनाते हैं कोई भी चीज़ तो द तो ऑटोमेटिक लगता ही लगता है। जैसे एक एग्जांपल, राम्स बैग, अगर आप इसको बनाओगे ऑफ से तो बनेगा द बैग ऑफ राम, ये द तो पहले से ही आ गया, ठीक है, द बैग ऑफ राम। जैसे द पुअर, इसका हिंदी है गरीब लोग, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस द गरीब लोगों का कंडीशन, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में एपोस्ट्रॉफी एस लगता नहीं है, इन्हें ऑफ से बनाना पड़ता है। तो आप जैसे ही ऑफ से बनाओगे कंडीशन के साथ तो द लगेगा ही क्योंकि ये तो ऑफ से बनाने पर लग ही जाता है। साथ ही साथ ये जो द पुअर एक साथ था इसको तो आप रखोगे ही, तो ऑफ द पुअर होगा, ठीक है, ऑफ द पुअर, द कंडीशन ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का कंडीशन इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा है। नेक्स्ट, ओके, अभी मैंने ऊपर आपको हिंट किया, ओके, थोड़ा सा मैं इधर हो गया, ये तो नंबर बदल गया इसके, 13 के बाद 14 आना चाहिए था, अभी मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं। योर स्टेट इज़ रिच बट माई इज़ पुअर, इसका आंसर क्या होगा भाई, अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, तुम्हारा राज्य धनी है लेकिन मेरा, तो मेरा की अंग्रेजी यहाँ पे माइन होगा, क्यों, माई एक ऐसा वर्ड है, माई योर हिज, इनके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, तो माई के बाद कोई नाउन नहीं आया है, बट माइन योर्स आवर्स इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है, और माई और माइन की हिंदी दोनों एक ही है, चूँकि यहाँ पे आगे इज़ दिया हुआ है, तो इज़ देने की वजह से इज तो वर्ब है और हमें माई के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, जैसे माई बुक, माई फ्रेंड, कुछ ना कुछ चाहिए। आप अपने नोट्स से दोहरा सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का अंतर, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे माई की जगह होगा माइन, ठीक है, सी में गलती है। योर स्टेट इज़ रिच बट माइन इज़ पुअर, तुम्हारा स्टेट तो धनी है बट मेरा जो है वो गरीब है। ओके, 15, यू एंड आई कॉट, तुमने और मैंने पकड़ा ईच अदर हैंड्स, एक दूसरे हाथ, ईच अदर हैंड नहीं होगा, ईच अदर सेंस होगा, यानी अदर में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्यों, आप हिंदी से समझो, तुमने और मैंने पकड़ा एक ईच अदर, एक दूसरा हाथ, एक दूसरा हाथ नहीं पकड़ा, एक दूसरे के हाथ पकड़ा, का के की जरूरत पड़ रही है हमें यहाँ पे, इसलिए हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स, इसका हिंदी निकलेगा कि हर एक छात्र से उम्मीद किया जाता है कि वो कैरी आउट पालन करे अपने प्रिंसिपल का ऑर्डर, तो प्रिंसिपल का की अंग्रेजी यहाँ पे है नहीं, आपको का की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स होगा, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स होगा यहाँ पे, अपोस्ट्रोफीस लगेगा, सी में गलती है। ओके, व्हाट इज़ योर टुडे प्रोग्राम, कह रहा है व्हाट इज़ योर टुडे प्रोग्राम, टुडे नहीं होगा, टुडेज होगा, आज का प्रोग्राम, टुडे प्रोग्राम नहीं, टुडेज अपोस्ट्रोफीस, आज का प्रोग्राम, ठीक है, तो सी में ही गलती है। ओके, मीरा अटेंड्स अ गर्ल्स स्कूल, मीरा अटेंड करती है यानी उसमें जाती है, किस में जाती है, गर्ल्स स्कूल, वो पीछे मैंने आपको रूल बताया, स्कूल जैसी चीज़ एक लड़की की नहीं हो सकती, लड़कियों की होती है, तो लड़कियों का स्कूल में जाती है मीरा, तो लड़कियों की पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं, गर्ल्स, लड़कियों, अपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगाना पड़ेगा, किसी शब्द में अगर पहले से ही ऐसा हो तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगता है। मैं ये बात बार बार कहूँगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की पहले ज़रूरत होगी, ठीक है, बहुत अच्छा खासा आपको रूल मिल जाएंगे इस चैप्टर में, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में, नाउन का ही पार्ट है। ओके, अभी देखो, अभी पीछे बता रहा था मैं, द ब्लाइंड, ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, द ब्लाइंड का हिंदी है अंधे लोग,
इसमें ब्लाइंड एडजेक्टिव है और मैंने रूल बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, इन्हें ऑफ से बनाना पड़ता है, इसलिए ए गलती है। यहाँ पे होना चाहिए था द ऑनेस्टी, ठीक है, ऑफ द ब्लाइंड, ये स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड, द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी नहीं होगा, द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड होगा, ठीक है, यानी ईमानदार लोगों की ऑनेस्टी की प्रशंसा की जाती है सबके द्वारा, हर कोई के द्वारा। ओके, ये देखो प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया है, इसके लिए तो बिल्कुल आपको ये मतलब ये रूल आपको पता होना चाहिए। आई हैव डिपॉजिटेड द मनी इन सोनूज एंड मोनूज ज्वाइंट अकाउंट। ध्यान से समझेंगे आप, ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा मालिक, भाव को समझेंगे आप, अगर आपने दोनों नाम में पोस्ट ऑफिस लगाया है इसका मतलब है कि दोनों का अलग अलग अकाउंट है, अगर आपने सिर्फ लास्ट में पोस्ट ऑफिस लगाया है इसका मतलब वो दोनों उसके मालिक हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है अभी, मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया सोनू के ज्वाइंट अकाउंट में और मोनू के ज्वाइंट अकाउंट में, ये संभव नहीं है। देखो सोनू का अकाउंट सिंपल अगर अकाउंट होता, जनरल अकाउंट होता, तो सोनू का अलग हो सकता है, मोनू का अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट इन दोनों का होगा ये मिला करके। तो कोई भी चीज़ पर एक से ज़्यादा लोग अगर अधिकार जमाए, अधिकार दिखाए, तो सिर्फ लास्ट वाले में अपोस्ट्रॉफीस लगता है, यानी सिर्फ मोनू में अपोस्ट्रॉफीस लगेगा, सोनू में अपोस्ट्रॉफीस की ज़रूरत नहीं है, यानी बी में गलती है। मैंने पैसा जमा किया है, आई हैव डिपॉजिटेड द मनी इन सोनू एंड मोनूज ज्वाइंट अकाउंट, सोनू और मोनू के ज्वाइंट अकाउंट में, अगर आपने दोनों में लगाया है तो फिर दोनों का अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट होगा, और अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट होता ही नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट तो एक से ज़्यादा लोगों का मिक्स करके किया जाता है, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, लिखा है राम एंड सोनूज बैग, इसका हिंदी पहले जाने, इसका मतलब है राम और सोनू का बैग, मतलब बैग एक है और ये दोनों मालिक हैं, राम और सोनू का बैग, लेकिन अगर आप कहते हो राम्स, यानी राम में भी आप पोस्ट ऑफिस लगा देते हो, तो राम्स एंड सोनूज बैग का मतलब है राम का बैग अलग और सोनू का बैग अलग, दो बैग हो गए अलग अलग, तो ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो ज्वाइंट अकाउंट चूँकि दो एक से ज़्यादा लोगों का ही होता है मिक्स करके, इसीलिए दोनों का ये होगा एक ज्वाइंट अकाउंट, इसलिए पोस्ट ऑफिस सिर्फ लास्ट वाले में ही लगेगा, मोनू में। ओके, फिर से वही बात आ गई, मैंने पढ़ा है विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। ध्यान से आप देखेंगे दोनों में मैंने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपना अलग पोइट्री लिखते होंगे और विलियम शेक्सपियर अपना अलग पोइट्री लिखते होंगे, और मैंने दोनों में लगाया है इसका मतलब दोनों का अलग अलग मैंने पढ़ा है, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग लिखते हैं। तो मैंने पढ़ा है विलियम शेक्सपियर की पोइट्री एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, टेबल का जो पैर है ना वो टूटा हुआ है, यू नीड टू फिक्स इट, तुम्हें इसे फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, यानी मरम्मत करने की ज़रूरत है, इसमें कहाँ गलती है, तो इसमें गलती ये है कि टेबल्स लेग नहीं होगा, क्योंकि टेबल निर्जीव चीज़ है, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल आपको लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल का पैर, ऑफ से बनाना पड़ेगा। आगे कह रहा है आई डोंट लाइक मोहन कार, सिंपल है, मैं नहीं पसंद करता हूँ मोहन कार, मोहन कार नहीं मोहन का कार होना चाहिए था, तो मोहन का कार की अंग्रेजी क्या होती है, मोहन में पोस्ट ऑफिस लगाइए आप, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई डोंट लाइक एनी वंस एल्स मोबाइल, रूल है कि कभी भी एल्स शब्द का प्रयोग हो जाए, जैसे समवन एल्स, एल्स का हिंदी होता है अन्य, समवन एल्स किसी अन्य, एनीवन एल्स कोई अन्य, तो हमेशा अपोस्ट्रोफीस एल्स में लगता है, एनीवन समवन में नहीं लगता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एनीवन में से आप अपोस्ट्रोफीस हटाइए और एल्स में लगाइए एल्सेज, ठीक है। आई डोंट लाइक एनीवन एल्सेज मोबाइल, मैं नहीं पसंद करता हूँ किसी अन्य का मोबाइल, का आ रहा है अन्य में, इसलिए एल्स में लगेगा अपोस्ट्रोफीस। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीट कर रहा है और ये तो बहुत ही सिंपल है, आई वॉन्ट टू स्टडी इन अ गर्ल्स कॉलेज, मैं पढ़ना चाहता हूँ गर्ल्स कॉलेज में, आई वॉन्ट लड़की हो सकती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ गर्ल्स कॉलेज में, आई वॉन्ट टू स्टडी इन अ गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, कॉलेज एक लड़की का नहीं होता है, लड़कियों का ही होता है, तो लड़कियों का होता है तो गर्ल्स होना चाहिए था, ठीक है, गर्ल्स है, बिल्कुल है,
और जिस शब्द के अंत में पहले से ही एस हो, दिख रहा हो, आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, लगाया गया है इसलिए गलती नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, यू शुड ओबे कमांडर इन चीफ, ये मैंने पीछे बताया था, तो इसलिए आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यू शुड ओबे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ओके। 27 में अभी मैंने बता दिया, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द पुअर बता दिया है, क्यों कैसे। अभी अगला प्रश्न देखोगे आप, मोहन्स एंड सोहन्स कार, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, मोहन्स एंड सोहन्स दोनों में लगा है एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब है कि मोहन की कार अलग है, सोहन की कार अलग है। अगर सिर्फ ये मोहन में लगा, अगर सिर्फ सोहन में एपोस्ट्रॉफी लगा होता, मोहन में नहीं लगा होता, तो इसका मतलब था कि मोहन और सोहन दोनों मालिक हैं इस कार के, लेकिन दोनों में एपोस्ट्रॉफी लग गया, इसका मतलब दोनों का अलग अलग है, ये रूल है ऐसा। तो मोहन का कार और सोहन का कार, कुल मिला के कितने कार हो गए, दो कार हो गए। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसमें आंसर होगा बी। ठीक है, मोहन्स कार एंड सोहन्स कार, दो बार कार क्यों नहीं लिखे, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए कॉमन बना दिया गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, पर ये बात बार बार कहूँगा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ही आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है, ये पूरा चैप्टर का एक तरह से मैं आपको रिविज़न करा रहा हूँ, तो इतना कम भी तो नहीं होगा कि थोड़े से वीडियो में पूरा आप चैप्टर कवर कर लोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए, वो भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। कितना भी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, छः छः महीना एक एक साल तक कोचिंग करते हैं, पर अभ्यास नहीं करते हैं, कोर्स बस कंप्लीट करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप चीज़ें सीख तो सकते हो, बट उसमें परफेक्ट होने के लिए आपको अभ्यास करना ही होगा। नेक्स्ट, 29 नंबर में रूल के हिसाब से, देखो मैंने पीछे भी हिंट कर दिया है, तो इसके हिसाब से आप 29 नंबर में बी होगा। ए सिस्टर ऑफ राजूज, इसका मतलब है राजू की बहनों में से एक बहन लिव्स इन लंदन, लंदन में रहती है। ठीक है, तो आंसर होगा 29 का बी, पीछे बताया भी था और अगर आपने पढ़ाई की है चैप्टर का उसमें भी बताया गया है। राजू एंड गीता आर होल्डिंग, राजू और गीता पकड़े हुए हैं, होल्ड का मतलब पकड़ना, और एक दूसरा हाथ, तो एक दूसरा का हाथ, अभी ऊपर भी हिंट आया था ना, एक दूसरे का हाथ होना चाहिए था। राजू एंड गीता आर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स होगा। ठीक है, राजू एंड गीता आर होल्डिंग ईच अदर्स, ईच अदर मतलब एक दूसरा, का की अंग्रेजी एपोस्ट्रॉफी है, तो ए होगा आंसर। अभी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, लिखा टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, आपको पता है टेबल क्या है, निर्जीव चीज़ है। अंडरलाइन किया गया है कि क्या ये गलत है, अगर गलत है तो आपके पास ऑप्शन चार दिए गए, अभी आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि टेबल निर्जीव है, निर्जीव में एपोस्ट्रॉफी लगता नहीं है, तो आपको ऑफ से बनाना पड़ेगा, तो द लेग ऑफ टेबल, द टेबल, ये तो होगा नहीं, ये होगा आंसर हमारा, द लेग ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल का पैर, द लेग ऑफ टेबल इज़ ब्रोकन, जैसे राम्स बैग को आप द बैग ऑफ राम कह सकते हैं, तो सजीव में तो ऑफ भी सही है, एपोस्ट्रॉफी एस भी सही है, बट निर्जीव के लिए स्पेशल रूल होता है कि आप इन्हें सिर्फ ऑफ से ही बनाएं, एपोस्ट्रॉफी एस से ना बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, ये भी रूल पढ़ाया गया होगा आपको, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स। कहा जाता है कि अगर अंकल्स लिखा है तो अंग्रेजी अंग्रेजों की है, तो अगर वो अंकल्स कहते हैं इसका मतलब है अंकल का घर, अगर वो डॉक्टर्स कहते हैं तो इसका मतलब है डॉक्टर्स क्लिनिक, अगर वो बारबर्स कहते हैं, बारबर्स बाल काटने वाला नाई, बारबर्स, तो इसका मतलब है बारबर की दुकान, तो ऐसा वो फिक्स्ड रूल है। तो आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, इसका हिंदी निकलेगा कि मैं अपने अंकल के घर जा रहा हूँ, इसलिए इस सेंटेंस में कहीं भी गलती है ही नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे आप डी। ओके, अगला है अ मदर ऑफ राजूज, इसकी पहले हिंदी जान लेंगे आप, इसकी हिंदी पहले आप जानिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ए मदर ऑफ राजूज, इसकी हिंदी क्या है, राजू की माताओं में से एक माँ, अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, राजू की माओं में से एक माँ, अ मदर ऑफ राजूज, अ मदर ऑफ राजूज, तो देखो अगर देखा जाए तो एपोस्ट्रॉफी एस राजू, ए मदर ऑफ राजूज, राजू की माओं में से एक माँ। ठीक है, क्या राजू की बहुत सारी माँ होंगी, नहीं होंगी, यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था राजू की माँ बीमार है, सॉरी वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है, तो राजू की माँ और राजू की माओं में से एक माँ, दोनों की अंग्रेजी अलग अलग होगी। ए मदर ऑफ राजूज का मतलब है राजू की माताओं में से एक माँ,
और द मदर ऑफ राजू अगर मैं लिखता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द मदर ऑफ राजू, तो इसका आंसर होगा हमारा द मदर ऑफ राजू ए, ठीक है, राजू की माँ। ए मदर ऑफ राजू इसका मतलब है राजू की माँओं में से एक माँ, ठीक है, द मदर ऑफ राजू होगा राजू की माँ। यहाँ पे यही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिएगा। आई वॉन्ट टू नो दिस बोट्स लेंथ, मैं जानना चाहता हूँ इस नाव की लंबाई। देखो भाई, इस सेंटेंस को देखते ही दिमाग में आएगा कि बोट तो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफीस नहीं लगाते हैं, लेकिन रूल आपने पढ़ा होगा कि निर्जीव चीज़ों का अपोस्ट्रोफीस भले नहीं लगाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ वस्तु का अगर लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक है ना, उसका पॉइंट नोक या उसका किनारा, अगर ये सब बताना हो, लंबाई चौड़ाई वगैरह बताना हो, तो आप अपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं वस्तु के साथ भी। इसलिए इस सेंटेंस में गलती ही नहीं है कोई। आई वॉन्ट टू नो दिस बोट्स लेंथ, लेंथ पूछ रहा है ना, आप अपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे ब्लेड का किनारा, तो ब्लेड तो वस्तु होती है, लेकिन आप ब्लेड्स अपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं निर्जीव में भी, अगर आपको किनारा नोक लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब अगर बताना है तो रूल पढ़ाया गया आपको, स्पेशल रूल में है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई, इसमें नो इम्प्रूवमेंट, गलती ही नहीं है, कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। ए बैग ऑफ हर इज़ न्यू, बहुत ही सिंपल है, ए बैग ऑफ हर इज़ न्यू। अब रूल ज़्यादा इसमें बोला नहीं जा सकता वीडियो में, ठीक है, पढ़ाया गया है। इसका आंसर होगा सी, इसका हिंदी निकलेगा ए बैग ऑफ हर्स का, उसके बैगों में से एक बैग, ए बैग ऑफ हर्स, उसके बैगों में से एक बैग, इसकी हिंदी है इज़ न्यू, नया है, उसके बैगों में से एक बैग नया है, तो सी होगा आंसर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट है ये, बुक ऑफ राजू इज़ वेरी न्यू, राजू का किताब बहुत ही नया है, क्या होगा आंसर। देखो पढ़ाई आपने की है, अगर आप ए लगाते हो तो फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बताया, ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाम में पोस्ट ऑफिस, फिर हिंदी निकलेगी राजू के किताबों में से एक किताब, लेकिन इसमें तो पोस्ट ऑफिस है ही नहीं, तो ऐसे में ऑफ वाले में द लगता है, तो सी लगाइए, द बुक ऑफ राजू इज़ वेरी न्यू, यानी राजू की किताब जो है वो बहुत ही नई है, ठीक है। तो ये फास्ट रिविज़न था, ये प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई किया तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।